ओके तो आज हम सीख रहे हैं कि CSS के अंदर एनिमेशंस कैसे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, यानी कि HTML एलिमेंट के ऊपर किस तरह से कोई भी एनिमेशन CSS के जरिए कैसे अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू फाइल ले रहे हैं और न्यू फाइल लेके उसको सेव कर रहे हैं हम यहाँ पे एनिमेशन वेब डॉट HTML के नाम से। ये हमारी फाइल सेव हो गई, शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया, कुछ HTML का बेसिक कोड हमने रिलीज कर लिया और यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाइंग एनिमेशन ऑन HTML एलिमेंट यूजिंग CSS। ठीक है, सेव कर दिया हमने यहाँ पे, कंट्रोल एयर करके न्यू कर दिया और यहाँ से फिर फाइल को सेव कर दिया और इसका नाम रख लिया एनाइम स्टाइल डॉट CSS। 3 बार CSS हो गया इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा से न्यू फाइल बना रहा हूँ और उसका नाम दोबारा से रख रहा हूँ एनाइम स्टाइल डॉट CSS। ये मेरी फाइल सेव हो गई CSS की और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको लिंक कर दिया अपने स्पीच के साथ। तो लिंक लगाया यहाँ पे एनएम स्टाइल डॉट CSS, फाइल यहाँ आ रही है, ये कनेक्टेड हो गया। अब देखें, एनिमेशंस देने के लिए पहले कोई ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट कुड बी अ शेप, यानी कि कोई डिव एलिमेंट हो सकता है, कोई बी यू आई कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है। तो उसको पहले आपने इस पे इम्पोर्ट करना है, बनाना है, लगाना है, क्या है। तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर एक क्लास सेट करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं बॉल। अब इस बॉल को, क्लास को डिक्लेयर करते हैं CSS में जाके डॉट BALL बॉल और उसकी बॉडी बना के इसके अंदर ये बॉल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखी विड्थ की प्रॉपर्टी जिसमें 100 पिक्स इसकी विड्थ दे दी और यहाँ से जाके इसकी हाइट हमने 100 पिक्स दे दी और यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर लगा दिया इसके ऊपर और यहाँ से क्लिक करके ये एक बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई कर दिया और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर फॉन्ट का कलर हमने ये वाला अप्लाई कर दिया। इसके बाद बॉर्डर डैश रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने यहाँ पे और 50 पिक्सल बॉर्डर डैश रेडियस अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने जाके चेक किया क्या क्रिएट हुआ, तो वेब ब्राउजर पर जैसे ही क्रोम पर हमने जाके इसको लोड किया अपने वेब ब्राउजर पर पेज को, तो ये देखें किस तरह का शेप प्रोड्यूस हो गया जिसका नाम मैंने बॉल रखा है। हम कोई भी शेप प्रोड्यूस कर सकते थे, ट्राइंगल भी कर सकते थे, तो उसके हिसाब से हमें इसको डिज़ाइन करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, मोशन देना है, मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ इसको मूव कराना चाहते हैं, मोशन देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। अब एनिमेशन बनाने के लिए CSS में जो कमांड है वो आपने लिखनी है @ की फ्रेम्स। जैसे आप ये कमांड लिखेंगे, ये कमांड डिफाइन करती है एनिमेशन को। एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए एनिमेशन का नाम बताना लाजमी है। तो अब एनिमेशन का क्या नाम बता रहे हैं आप, जैसे हमने उसका नाम बताया मूव। अब जो मूव हमने इसका नाम बताया है तो ये एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। इस एनिमेशन का नाम मूव है और इस कमांड ने इसको क्रिएट किया है, ये इसकी बॉडी है। इसके अंदर जाके एनिमेशन जब हम बनाते हैं तो ये एनिमेशन बेस करती है की फ्रेम्स के ऊपर। की फ्रेम्स क्या होते हैं, की फ्रेम्स एनिमेशन की स्टार्टिंग मिड एंड पोजिशंस होती हैं, या स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजिशंस होती हैं। मतलब उसकी फर्स्ट पोजिशन क्या होगी और उसकी लास्ट पोजिशन क्या होगी, या उसका फर्स्ट शेप क्या होगा, लास्ट शेप क्या होगा, उसको हम की फ्रेम्स में डिफाइन करते हैं। की फ्रेम्स को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 फ्रेम्स बना रहे हैं तो 2 फ्रेम्स के अंदर हम कुछ इस तरह से उनको डिफाइन करेंगे। एनिमेशन की बॉडी में आएंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे हम फ्रॉम और दूसरा बनाएंगे हम टू। तो ये 2 हम इस तरह से की फ्रेम्स क्रिएट कर देंगे। अब जैसे हम 2 फ्रेम्स क्रिएट कर देंगे तो अब हमें बताना होगा कि पहले फ्रेम पे इस बॉल की पोजिशन क्या होगी, दूसरे फ्रेम पे इस बॉल की पोजीशन क्या होगी। अब ये बताने के लिए हमें और कमांड्स का जानना लाजमी है, तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी को समझना होगा। उस प्रॉपर्टी का नाम है पोजीशन। तो आपने पहले पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर इसको आप अप्लाई कर रहे हैं डिफ के ऊपर, उस डिफ की पोजीशन को चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब नॉन चेंजेबल, नॉन मूवेबल। अब उसके लिए पहले आपको उसको मूवेबल बनाना होगा। तो मूवेबल बनाने के लिए आपके पास ये 2 वैल्यूज हैं, या तो आप एब्सोल्यूट पे रख लें या फिर आप रिलेटिव पे रख लें। अब इनमें क्या फ़र्क है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इन दोनों में से किसी पे भी रख सकते हैं आप। फिलहाल हम इसको एब्सोल्यूट पे रख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब आप इसको जब मूव करना चाहेंगे तो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज एनेबल हो जाएंगी। एक होगी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। लेफ्ट यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट मार्जिन से कितना आगे लाना चाहते हैं, टॉप यानी कि इसको टॉप मार्जिन से कितना नीचे लाना चाहते हैं, बॉटम यानी कि बॉटम से ऊपर कितना लाना चाहते हैं, और राइट राइट मार्जिन से कितना इस साइड पे लाना चाहते हैं। इनकी वैल्यूज को पॉजिटिव एंड नेगेटिव में भी लिख सकते हैं।
सो नाउ अभी हम चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, तो इसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम सेट करेंगे 0 पर और यहाँ पे हम करेंगे 900 पर. कैसे करेंगे? फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग पोजिशन लेफ्ट प्रॉपर्टी में हम बता रहे हैं इसकी 0 पिक्स, पिक्स फॉर पिक्सल, और यहाँ पे हम बता रहे हैं लेफ्ट की प्रॉपर्टी सपोज टू बी 900 पिक्स. सेव कर दिया हमने यहाँ पे, रिफ्रेश किया, तो अभी इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा. देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा इसके ऊपर. तो यहाँ पे जाके देखते हैं, तो फ्रॉम एंड टू में लेफ्ट की प्रॉपर्टी भी सही डिफाइंड है, वैल्यू भी सही डिफाइंड है. अब मसला ये है कि ये आपने एनिमेशन तो बना लिया और एनिमेशन को डिफाइन भी कर दिया, लेकिन इस एनिमेशन को इस क्लास के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं दिया. याद रखें, जब तक आप इसको कनेक्शन नहीं देंगे ये एनिमेशन काम नहीं करेगा. एनिमेशन आप कितने ही बना लें, एक एनिमेशन को कई क्लासेस पे, कई एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये समझना है. एनिमेशन को किसी भी क्लास पर या सिलेक्टर पर या आईडी पर अप्लाई करना है तो उसका तरीका ये है कि पहले आप इसकी एक प्रॉपर्टी कॉल करेंगे उसके अंदर, जिसका नाम है एनिमेशन डैश नेम. तो जैसे इसको कॉल करेंगे और फिर उसका एनिमेशन का नाम उसके आगे इसको डिफाइन कर देंगे. यानी कि हमारी एनिमेशन का नाम मूव था तो मैंने यहाँ मूव इसको लिख दिया. अब ये एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, इसके बावजूद भी नहीं चलेगा. फिर हमें बताना होगा कि एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब ये एनिमेशन कितनी देर में परफॉर्म होगा. हमने कहा 5s, मतलब 5 सेकंड में परफॉर्म होगी, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 0.25 भी लिख सकते हैं. फिर हमें बताना होगा कि 5 सेकंड में जो काम कर रही है तो ये कितनी बार परफॉर्म होगी, ये भी बताना लाजमी है. तो उसको बताएंगे एनिमेशन डैश आइटरेशन डैश काउंट. तो अब यह बताएंगे एक दफ़ा परफॉर्म करेगी, दो दफ़ा परफॉर्म करेगी, तीन दफ़ा परफॉर्म करेगी, पांच दफ़ा, या करती ही रहेगी. करती रहेगी तो वैल्यू इन्फिनिट पास कर देनी है, और एक दो चार छः दफ़ा तो उसके लिए वो नंबर पास कर देना है. तो जैसे ये तीन प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन करेंगे, रिलेटेड करेंगे इसके साथ, तो अब आपका एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म होना लग जाएगा. ठीक है, और इन्फिनिट है तो ये परफॉर्म होता रहेगा जैसे ही वेब पेज खुलेगा और परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी इसकी. ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है. अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये सपोज टू बी ये दो बॉल्स काम करें, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों एक साथ काम करें, तो उसके लिए हमें करना ये है कि एक बॉल को और क्रिएट करना होगा. अब एक बॉल क्रिएट करने का तरीका ये है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जाके डिफ क्लास के आगे इसको कॉपी करें और नीचे फिर से इसको पेस्ट कर दें, तो इसके नीचे एक और बॉल बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी. और बनी है तो दिख नहीं रही. उसकी वजह यह है कि जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पास की थी यहाँ पे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की जगह हम इसको वैल्यू पास करेंगे रिलेटिव. तो जैसे हम इसको रिलेटिव पास करेंगे तो ये देखिए अब दो हो गई. अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क हुआ, देखें. ये फ़र्क हुआ कि जब एब्सोल्यूट पास किया था तो सेकेंड ऑब्जेक्ट बन रहा था वो बिल्कुल उसके पीछे बन रहा था. इस तरह जितने ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं जिनकी वैल्यू एब्सोल्यूट रखते हैं, तो वो एक के पीछे एक बनते जाते हैं और फ्रंट पे आपको एक ही नजर आ रहा था. ठीक है, रिलेटिव जब मैंने किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना हुआ था उसके नीचे दूसरा बना. अब आप तीसरा करेंगे तो उसके नीचे बनेगा या उसके आगे बनेगा, यानी कि उसकी पोजीशन छोड़ के उसके बराबर में ऊपर नीचे क्रिएट होगा. लेकिन मसला ये है कि ये दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि एक लेफ्ट से है और एक राइट से है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो सीखा था लास्ट टाइम क्लासेस का, उसका इस्तेमाल हम करने की कोशिश करते हैं. हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और उस क्लास में हम ये करने वाले हैं कि उसका नाम रखते हैं डॉट री रेव के नाम से एक क्लास बनाई और उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया. हमारे पास एक एनिमेशन की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें उसका नाम है एनिमेशन डायरेक्शन, और उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं रिवर्स. अब सवाल ये होगा कि रिवर्स किसको कराना है, ये रेव क्लास में है, तो रेव क्लास को जाके हम डिफाइन कर देंगे इस वाली बॉल के साथ. अब हो तो गया, लेकिन उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में फ़र्क आ गया है. ठीक है ना, नीचे वाला सुस्त है और मुझे नहीं पता कि उस सुस्त है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी होनी चाहिए. शायद रिवर्स होने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है. रिवर्स होने में शायद उसको टाइम लग रहा है. अच्छा, अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, जहाँ रिवर्स किया है एनिमेशन ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन हम 3 सेकंड कर देते हैं इसके ऊपर, और वो सिर्फ अप्लाई होगा दूसरे के ऊपर. हाँ अब इसमें जो फीचर काम कर रहा है वो एस इन और एस आउट का फीचर काम कर रहा है. ठीक है ना, अब मैंने इसको 3 सेकंड किया है तो वो उससे थोड़ा फास्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये स्लो फास्ट से स्लो हो रहा है, और यहाँ पर ये स्लो से फास्ट हो रहा है, इसलिए इसके टाइम में फर्क आ रहा है.
तो इसके अंदर एनिमेशन ईज का भी एक फीचर होता है, मैं देखूं जरा वो काम करेगा, मुझे याद हो गया एनिमेशन। हाँ भूल गया मैं, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही मुझे। एनिमेशन ड्यूरेशन नेम डिले 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 डायरेक्शन फिल्म मोड डायरेक्शन प्ले स्टेशन कंपोजर रेंज रेंज एंड स्टार्ट डायरेक्शन फिल्म मोड। बहरहाल अभी याद नहीं आ रहा मुझे। एस इन और एस आउट का एक फीचर होता है जिससे हम इसको स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं, मतलब कब फास्ट हो कब स्लो। लेकिन बहरहाल देखिए इस तरह हम क्लासेस से काम लेके ये काम इजीली ले सकते हैं कि हमने उसी एनिमेशन को सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस के साथ दूसरी क्लास पे लगा दिया और अब उस पर ये ऑब्जेक्ट एक इस साइड से और एक उस साइड से परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। अभी तो ये लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, अगर इसको राइट से लेफ्ट पे भेजना हो तो रिवर्स के अलावा एक टेक्निक और भी है कि अगर हम यहाँ पे जहाँ 900 पास किया था उसको 900 की जगह पे यहाँ पे पास कर दें सपोज टू बी 0 और ऊपर पास कर दें 900, तो देखेंगे ये आपके लेफ्ट टू राइट की से ये इस तरह से पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये यह है कि अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि टॉप टू बॉटम पास करना चाह रहे हैं तो आप इसको लेफ्ट को कर देते हैं हम इसको 0 और इसके भी लेफ्ट को हम कर देते हैं 0। यहाँ एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसका नाम है टॉप, और टॉप पे जाके हम उसकी वैल्यू को पास करते हैं यहाँ से सपोज टू बी 0 पिक्स से, और 0 पिक्स से कितना नीचे लाना है यहाँ पे दोबारा से टॉप की वैल्यू को पास कर देते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं 400 पिक्स। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से पास होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना, टॉप से बॉटम पे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है नीचे से ऊपर भेजूँ तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके इसको 0 कर दूंगा और इसको जाके मैं क्या कर दूंगा 400 पिक्सल कर दूंगा, तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि पेज के सेंटर में काम करें तो मैं यहाँ पे दोनों लेफ्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट एंड एंड को 400 पे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स काम करेंगे। इसमें एक और ट्विस्ट भी हम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाई हुई है उसके लिए एक अलग भी क्लास बना सकते हैं कि जैसे, या इसी में हम रेफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हम इसका अलग बना दें तो यहाँ पे न्यू बीजी के नाम से एक क्लास बना लें और यहाँ पे उसके अंदर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें। लेट्स सपोज पे क्लिक करके उसका मजेंटा की सी ग्रीन दे देते हैं और एन बी जी की क्लास को हम दूसरे वाले बॉल के ऊपर यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, एन बी जी सेव एंड रिफ्रेश। आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर यहाँ एनिमेशन स्टाइल के ऊपर क्लिक करके कि अगर हमने मिसाल के तौर पे कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और उसके ऊपर भी ये अप्लाई करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं।